इजीपाम 5 mg टेबलेट कहाँ पर काम आती है, कौन कौन सी बीमारियों में चलाई जाती है, किस तरीके से काम करती है, कौन इसे ले सकता है, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, सावधानी इसकी क्या रखें, कौन नहीं ले सकता, संपूर्ण रिव्यू करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। इस इजीपाम 5 mg टेबलेट ये एरिज कंपनी का प्रोडक्ट है। 5 mg में जो इसके अंदर जो सोल्ट आता है, जो मोलिक्यूलर नेम है, वो है एसिटालोप्राम। अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो इसका यूज आप कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर या फिजिशियन डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आपके एरिया में हो सकता है इजीपाम के नाम से ना मिले, तो और भी बहुत सारी कंपनियां इसे बनाती है, जैसे कि सन फार्मा कंपनी का आता है नेक्सिटो 5 mg टेबलेट, न्यू सीटा 5 mg आता है एलकेम कंपनी का, और भी दोस्तों बहुत सारी कंपनियां बनाती है, आप देख लीजिएगा। एसिटालोपराम में कोई भी कंपनी की आप ले सकते हैं। अभी एसिटालोपराम वहाँ पर दिया जाता है जहाँ पर व्यक्ति का मूड बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल रहता है, कहें तो कई बार दोस्तों एंजाइटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम में भी दिया जाता है। एंजाइटी डिसऑर्डर में ज़्यादातर यही होता है, मूड कंट्रोल नहीं रहता, मूड बहुत बार बार चेंज होता है, उदासीन रहता है, टेंशन रहती है, वहाँ पर भी देते हैं। सोशल अगर एंजाइटी है वहाँ पर भी दिया जाता है। अगर दोस्तों किसी को एंजाइटी की दिक्कत है वहाँ पर डॉक्टर इसे चला सकते हैं। मूड को ये बहुत तेज़ी से बदलता है, खुशनुमा एहसास करवाता है। ये क्या करता है दोस्तों, केमिकल मैसेंजर होता है सेरोटोनिन, जो कि मूड को बदलने में काम आता है, हर व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। इसकी कमी हो जाती है कई बार डिप्रेशन में, वहाँ पर ये इसके लेवल को बढ़ाकर मूड को बेहतर बनाकर काम करती है। एसिटालोपराम जो टेबलेट है इजीपाम, ये मूड को चेंज करती है सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाकर। इसकी डोज की बात करें, रात को एक टेबलेट ये दी जाती है 5 mg की। आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 2 या 3 टेबलेट ले सकते हैं, डॉक्टर की सलाह के बाद बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, आदत इसकी पड़ती नहीं है, बिल्कुल सेफ है, डॉक्टर इसे बंद भी कर सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि लेने के बाद एक कंपन हो सकती है हाथ पाँव में, पेट में लूज मोशन या गर्मी की शिकायत हो सकती है, ऐसे वोमिटिंग करने का मन कर सकता है, लेने के बाद चक्कर आ सकते हैं, ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं दोस्तों, कभी कभार दिख जाते हैं। इसकी सावधानी यह है, अगर कोई महिला जो प्रेगनेंसी में है या ब्रेस्ट फीडिंग में कोई महिला है, वहाँ पर लेने से पहले डॉक्टर की एडवाइस जरूरी है, डॉक्टर की एडवाइस के बिना इसका यूज मत कीजिए। अगर एल्कोहल ड्रिंक कर रहे हो वहाँ पर डोज मत लीजिएगा, 2-3 घंटे का रखिएगा, क्योंकि ये अनसेफ है, एल्कोहल के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। दोस्तों ड्राइविंग करते समय भी डोज नहीं लेनी चाहिए, नींद आ सकती है, ये दोस्तों नींद लाने के लिए भी यूज में ली जाती है। नींद नहीं आ रही, टेंशन ले रखी है, सोचता रहता व्यक्ति, पूरी पूरी रात जगा हुआ है, वहाँ पर भी इसे दे सकते हैं। तो ये था फुल रिव्यू इजीपाम 5 mg के बारे में। ये 10 mg में भी आती है, प्लस 5 mg भी आती है और प्लस 10 mg भी आती है। प्लस में क्या आता है, क्लोनाजीपाम साथ में इसे के आता है। तो फुल रिव्यू था कोविड 17 और कौन सी मेडिसिन आपको वीडियो देना है। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वीडियो को पूरा देख लीजिए।